बहुत दिनों पहले की बात है। यहाँ पर ये कॉमा है, कॉमा यानी अल्प विराम। अल्प विराम में हमें थोड़ा सा रुककर आगे की लाइन पढ़नी होती है। एक चरवाहे का लड़का, चरवाहा यानी वो इंसान, वो व्यक्ति जो गाय बैल चराता है, भैंसों को चराता है। और आप मेरे साथ पेंसिल लेकर बैठिए, आपकी बुक में जहाँ पर इन रेड कलर से वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स, इनको आपको अंडरलाइन करना है। सबसे पहला आपका वर्ड है चरवाहे, और चरवाहे का मैंने आपको मीनिंग बताया जो गाय बैल चराता है। का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया और उन्हें चरने के लिए छोड़कर झरने के किनारे बैठकर मछलियां पकड़ने लगा। यहाँ पर ये जो मछलियां शब्द है ये बहुवचन है, मछली एक वचन होता है और मछलियां बहुवचन। जब शाम हो, और यहाँ पर एक आया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम मतलब होता है इंग्लिश में हम जिसको फुल स्टॉप बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पूरा वाक्य खत्म हो गया जिसमें हमने थोड़ा सा अल्प विराम भी लिया था। जब शाम होने लगी तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया। उसने देखा कि एक गाय का कहीं अता पता न था। उसने इधर उधर दौड़ धूप करना मतलब सभी जगह छानना ढूंढना की, पर गाय का कुछ पता ना चला। अभी तक हमने इस एक पैराग्राफ में दो हार्ड वर्ड्स पढ़े, चरवाहा, चरवाहे और दौड़ धूप। वह बहुत घबराया, मालिक मुझे जिंदा ना छोड़ेंगे। यहाँ से यहाँ तक ये जो है, इसके जो कॉमा में लिखा हुआ है ये किसी के द्वारा कही हुई बात को इन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। उसने सोचा इस समय ढूंढने का अवसर न था क्योंकि जानवर फिर इधर उधर चले जाते। अब क्या हुआ, जब यहाँ पर वो गाय घूम गई उसकी गाय, तो उसको टेंशन ये हो गया कि अगर मैं औरों को छोड़कर जाता हूँ तो शायद वो भी इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए वह उन्हें लेकर घर की ओर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर, बाड़ा मीन्स वो जगह जहाँ पर जानवरों को शाम के समय बांधकर रखा जाता है। बिना किसी से कुछ कहे गाय की तलाश में, तलाश एक और नया शब्द है, तलाश करना मतलब सर्च करना, फाइंड करना, खोजना में निकल पड़ा। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा, सन्नाटा मतलब बिल्कुल साइलेंट, कोई आवाज नहीं, सुनसान, जहाँ से कहीं कोई आवाज यहाँ पर ना सुनाई दे, छाया हुआ था जंगल। भाए भाए, जंगल में जब कुछ भी होता है तो एक अजीब सी आवाज होती है, उस साउंड को बोलते हैं भाए भाए, कर रहा था। गीदड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी पर वह बिना डरे जंगल में बढ़ा जा रहा था। चरवाहे के लड़के को किसका, अपने मालिक का डर था, इसलिए वो जंगल में बिना डरे गाय को ढूंढने निकल गया। थोड़ी दूर तक तो वह गाय को ढूंढता था, लेकिन जब और अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। छोटा बच्चा होगा इसलिए उसे भी डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही पड़ा। अंधेरा हो रहा था, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, जंगल भाय भाय कर रहा था और गीदड़ों की आवाज सुनाई दे रही थी, तब भी वह बिना डरे जंगल में पड़ा जा रहा था। थोड़ी दूर तक तो वह गया ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हुआ हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, उस छोटे से बच्चे का कहना ही क्या, किंतु जाए कहाँ। अब वो निकल तो गया गाय को ढूंढने, पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सुबह वो गाय कहाँ गई होगी। जब कुछ न सूझा तो एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात
सोच लेना कि हमको ये काम करना ही है। उसने पक्का निश्चय कर लिया था कि गाय को लिए बिना वह घर नहीं लौटेगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, जल्दी ही उसे नींद आ गई। अचानक पेड़ जोर जोर से हिलने लगा और उसकी नींद खुल गई। थक गया, पूरे जंगल में वो गाय को ढूंढता रहा, लेकिन वो जिद पर आ गया था कि चाहे कितना भी अंधेरा हो, कितना भी मुझे डर लगे, मैं गाय को ढूंढ कर ले जाऊंगा। और वो वहां पर थक कर सो गया। जैसे ही उसे नींद लगी, एक पेड़ वो जो पेड़ था वो जोर जोर से हिल गया। उसने आंखें मलते हुए नीचे की ओर देखा। बेटा, ये जो ओर है इसका मतलब है किसी साइड की तरफ देखना, और ओ में औ की मात्रा जब होती है उस ओर का मतलब होता है कोई दो चीजें, जैसे गाय और बैल, तो हम यूज करेंगे और, इसको हम और पढ़ते हैं, और ये होता है ओर, और इस ओर का मतलब होता है किसी डायरेक्शन को शो करना। ओके, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े होना मतलब घबरा जाना, एकदम से डर जाना अचानक किसी चीज को देखकर। पेड़ के नीचे एक शेर खड़ा था जो उसकी ओर ललचाई नजरों से देख रहा था। ललचाई मतलब जिससे उसमें ग्रीडीनेस आ गई थी कि अगर ये नीचे आएगा तो मैं इसको खा जाऊंगा। उसकी तो जैसे जान ही सूख गई। जान ही सूख गई मतलब बहुत ज्यादा डर जाना, जान ही सूख गई ये मुहावरा है। उसने दोनों हाथों से डाल को कसकर पकड़ लिया। कई घंटे बीत गए पर शेर था कि टस से मस ना हुआ। यहाँ हमने दो मुहावरे पढ़े, जान ही सूख जाना और टस से मस। टस से मस ना होना, टस से मस ना होना यानी जहाँ थे वहीं के वहीं रहना, हिलना नहीं। वह बार बार दहाड़ता और उछल कर लड़के को पकड़ने की चेष्टा। चेष्टा मीन्स इच्छा, चेष्टा मीन्स इच्छा, चेष्टा करता। कभी कभी तो इतना नजदीक आ जाता कि लड़का जोर से चिल्ला उठता। शेर अगर सामने खड़ा है तो हर किसी को डर लगता है, वो लड़के को भी डर लगा, वो पूरे टाइम पेड़ पर बैठा रहा। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए, लेकिन शेर ने मिलने का नाम तक नहीं लिया। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि शेर तो वहां से टस से मस नहीं हो रहा था, और कहते हैं ना कि जब शेर को अगर इंसान की खुशबू आती है तो वो तो सोचता है कि हम इसको खा जाए। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के का शरीर अकड़ रहा था। अकड़ना मतलब पूरा शरीर का बल करना बंद करता है, तब उसे कहते हैं अकड़न आ जाना, और भूख के मारे बुरा हाल था। उस जगह से थोड़ी दूरी पर छोटा सा एक झरना था। शेर कभी कभी उस ओर देखने लगता था। शेर को भी प्यास तो लगी होगी, तो वो कभी लड़के को देखता, कभी वो झरने को देखता। लड़का समझ गया कि शेर प्यासा है, मतलब लड़का भी प्यासा था और शेर भी प्यासा था। उसने सोचा कि जैसे ही शेर पानी पीने जाएगा वह भी यहाँ से भाग निकलेगा। अब उसको भी प्यास लगी थी, शेर को भी प्यास लगी थी, पर लड़के को अपनी प्यास का डर इतना नहीं था। उसे यह था कि शेर पानी पीने जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ। आखिर शेर उधर चला। लड़का पेड़ पर से उतर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट आया। अब वापस लड़के ने मौका देखा कि चलो शेर गया पानी पीने, पर वो शेर तो वापस आ गया। शायद उसने भी लड़के का इरादा समझ लिया था, उसके दिमाग में शेर को भी समझ में आ गया था कि ये लड़का क्या सोच रहा है। वह आते ही इतनी जोर से गुर्राया और ऐसा उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले पड़ गए। जैसे उसने लड़के को अपने पास
लड़का और शेर पास पास हुए, वो बहुत जोर से लड़के को पकड़ने के लिए उछला और वो उछला तो हाथ पांव ढीले पड़ना, ये भी एक मुहावरा है बेटा, और हाथ पांव ढीले पड़ना मतलब डर जाना, घबरा जाना। जैसे वह नीचे गिरा, जैसे ही वह नीचे गिरा जा रहा हो मालूम होता था, हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हो, वो अपने आप ही शेर ने उसको टच भी नहीं किया था, पर वो इतना ज्यादा डर गया था और उसे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा शरीर अब खत्म हो रहा है। जैसे तैसे करके वह दिन भी बीत गया, जो जो रात होती जाती थी शेर की भूख भी तेज होती जाती थी। देखो इंसान को देखकर शेर कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो लड़का पेड़ पे लटका रहा और शेर वहीं उसको पकड़ने के लिए खड़ा रहा। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि उसका भोजन सामने है और फिर भी वह दो दिन से भूखा बैठा है, लड़का भी भूखा और शेर भी भूखा। वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई, ताकते ही बीतना मतलब देखते ही देखते रह जाना, किसी को तकना, बार बार देखते रहना। शेर को भी थकावट हो रही थी, बैठे बैठे उसका जी उब गया। तीसरा दिन भी निकल गया। उसके बाद जब वो थक गया, दोनों के दोनों एक ही जगह पे बैठे रहे, वो लड़का पेड़ पे रहा और शेर नीचे खड़ा रहा, दोनों टस से मस नहीं हुए। ऐसा करते करते थर्ड डे आ गया, तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के लड़के की आंखों में तितलियों सी उड़ने लगी, तितलियों से उड़ने लगी मतलब उसको चक्कर आने लग गए, उसकी आंखों के आंधे अंधेरा छाने लगा, घबराने लगा, क्योंकि उसके पास 3 दिन से पानी भी नहीं था और खाने को भी नहीं था। डाल पर बैठे रहना भी अब मुश्किल हुआ जा रहा था। कभी कभी तो उसके जी में आता था कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए, हारना पड़ा उसको, उसको ऐसा लगता था कि मैं तो शेर के पास चला जाऊँ। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया न करोगे? ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। वो लड़का किससे बात कर रहा है? भगवान से, और प्रश्न कर रहा है कि मुझ पे तुमको दया नहीं आ रही, मैं 3 दिन से ऐसे बैठा हूँ। तो शेर को भी थकावट हो रही थी, बैठे बैठे उसका जी उब गया। वह चाहता था कि किसी प्रकार जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, निगाह दौड़ाना मतलब नजर फैलाना, अपनी आंखों से देखना, दौड़ाई कि कहीं कोई नजर आ जाए, किंतु उसे नजर ना आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, लेकिन वहां उसका रोना कौन सुनता? आखिर उसे एक युक्ति मतलब उसके दिमाग में एक बात आई, एक सोच आई। वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया, फुनगी मतलब टॉप पे, और अपनी कमीज खोलकर हवा में लहराने लगा कि शायद किसी शिकारी की नजर पड़ जाए। उसने अपना शर्ट खोला, सबसे ऊपर वाले पेड़ की सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ के जहाँ लास्ट में था वहाँ चढ़ा और ये एक कपड़ा फैला के इंटीमेट करने लगा, इंडिकेशन देने लगा कि मैं यहाँ पेड़ पे फंसा हूँ। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा, उसकी सारी भूख सारी कमजोरी गायब हो गई। 4 आदमी झरने के पास खड़े उस लहराती कमीज को देख रहे थे, शायद उन्हें अचंभा हो रहा था। अचंभा मतलब आश्चर्य होना या किसी नई चीज को देखकर एकदम से चौंक जाना कि जंगल के इस पेड़ पर कमीज कहाँ से आई। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहां की जमीन कुछ नीची थी। उसे ध्यान आया कि वे लोग मुझे देख भी लें तो उन्हें यह कैसे मालूम होगा कि पेड़ के नीचे 3 दिन का भूखा शेर भी बैठा हुआ है। उसको ये सब समझ में आ गया कि मुझे 4 लोगों ने देख लिया है, मेरे शर्ट की वजह से वो लोग पहचान गए हैं, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे थोड़ा सा नीचे हूँ। और एक टेंशन ये भी हो रहा था कि मैं कैसे बताऊँ कि अगर आप मुझे बचाने आओगे तो वहाँ तो शेर बैठा है, यदि मैं उन्हें सावधान न करूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को अवश्य चट कर जाएगा। ये भी बेटा मुहावरा है, और यहाँ चट करना मतलब खत्म कर जाना, सब कुछ खा जाना।
यह सोचकर वह पूरी ताकत से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनते ही वे लोग रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसी ओर देखने लगे। उसने उनको चिल्लाकर ऐसा जताया कि आप लोग एकदम से मत आ जाना, क्योंकि यहाँ पर कुछ है। और वो शेर से भी, शेर को भी अपने पास आने नहीं देना चाह रहा था। लड़के ने चिल्ला कर कहा, होशियार, पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर, चौकन्ना होना मतलब सचेत हो जाना एकदम, ऐसे कि कोई हमारे ऊपर अटैक ना कर सके, आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या पता है कि उसके आसपास क्या हो रहा है, वह तो अपने शिकार की दांत में घात लगाए बैठा था। एक का एक पैरों की आहट पाते ही वह चौंक उठा। अब और चार पैरों की आवाज आई तो शेर और एकदम सचेत हो गया, चौंक गया कि अब ये क्या होगा। उसने इन चारों आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। शेर को सब नजर आ रहा था कि और कोई चार जने आ रहे हैं, और वो एक टीला, टीला क्या होता है, मिट्टी का बहुत ऊंचा टापू जैसा बना होता है, मिट्टी का पहाड़ से थोड़ा सा छोटा एक हिस्सा होता है। फिर क्या कहना था, उसने मुंह मांगी, मुराद मिल गई। मुराद मिलना यानी अपनी इच्छा पूरी। भूख में सब्र कहा, सब्र मतलब रुकना, धीरज नहीं रहता है, उसको हम कहते हैं सब्र। वो इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया। उसने तेज दहाड़ मारी, क्योंकि उसके पास तो खाने के लिए पांच पांच इंसान हो गए थे। चारों लोग पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक साथ हवा में गोलियां दागी। उन लोग के पास तो बंदूक थी, तो जैसे शेर ने दहाड़ मारी, शेर बहुत जोर से चिल्लाया, तो उन्होंने पहले ही अपनी गोलियां चला दी। दन दन दन।